बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम योर टीचर मैम रिफत। लेट्स ओपन योर मैथ्स नोटबुक। टुडे इज 26 मई 2021, क्लास वर्क एंड डे इज वेडनेसडे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे? टुडे वी आर गोइंग टू डू द शेप नेम। एंड व्हिच शेप वी आर गोइंग टू डू टुडे? टुडे वी आर गोइंग टू डू ट्राइंगल शेप। व्हिच शेप इज दिस? ट्राइंगल। व्हिच शेप इज दिस? ट्राइंगल। इट इज अ ट्राइंगल। ट्राइंगल हैज थ्री कॉर्नर्स। ट्राइंगल के कितने कॉर्नर्स होते हैं? थ्री कॉर्नर्स होते हैं। एंड इट हैज थ्री साइड्स। और इसकी कितनी साइड्स होती हैं? थ्री साइड्स होती हैं। एंड इट्स ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन साइज। इसको आप किसी भी साइड पे कर लेंगे तो इसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। जिस तरह की ये साइड है उसी तरह की ये साइड है। ओके, इट्स ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन साइज। ओके, which shape is this? Triangle. Which shape is this? Triangle. Okay, this is a triangle. Start writing. Triangle. Triangle. Then skip the second and skip the one block and move to the next one. Triangle. Triangle. मेक द प्रॉपर शेप ऑफ ए। ए की आपने प्रॉपर शेप बनानी है। ए को ऐसे करके नहीं लिखना या ऐसे करके नहीं लिखना। दिस इज़ नॉट अ करेक्ट शेप ऑफ ए। ओके, करेक्ट शेप ऑफ ए इज लाइक दिस। ओके, ऑल ऑफ दीज शेप्स आर रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट triangle. Triangle. Okay? आपने साथ साथ इस तरह लिखते जाना है और साथ साथ इसके स्पेलिंग याद करते जाना है। triangle. Triangle. Then next triangle. Angle. Triangle. Then next triangle. Angle. सर आपने लास्ट तक ट्राइंगल के स्पेलिंग लिखे हैं। देन मूव देन डू द कलर ऑन दिस पिक्चर। ओके, ये जो शेप है इसमें आपने कलर्स करने, लेकिन कलर्स करते हुए आपने ध्यान रखना है कि साइड से कॉर्नर से जो है वो कलर्स बाय ना जाए। ओके, पहले आपने राइटिंग कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपने इस शेप में कलर्स करने हैं। एंड विच शेप इज दिस? इट्स अ ट्राइंगल शेप। विच शेप इज दिस? इट्स अ ट्राइंगल शेप। ओके, triangle. 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 Angle. Triangle. Proper lines में आपकी writing होनी चाहिए। A की shape बिल्कुल proper बनानी है। G का face जो है वो block के अंदर होगा और बाकी सारा इसकी body जो होती है वो नीचे होती है। और बाकी सब letters जो है देखें आप block के अंदर हैं। ना lines के ऊपर writing करनी है और ना blocks के ऊपर ऐसे करके writing करनी है। आपने blocks के ऊपर proper writing करनी है। ओके, this is your today's work. Take care. Allah Hafiz.